तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज लेके आई हूँ मैं बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची एंड डिलीशियस नाश्ता। तो इस नाश्ते को बनाना बहुत इजी है और इसमें देखिए परतें कितनी सारी हैं। अगर आप मेरे कहे अनुसार बनाओगे तो आपका भी नाश्ता ऐसा ही हजारों परतों वाला बनेगा। तो देखिए ये कितना क्रंची है और कितना खस्ता बना है। इस तरह का नाश्ता आप घर में बनाते हो तो आप बाज़ार से कुछ भी नहीं लेके आओगे, क्योंकि ये नाश्ता घर में ही इतना अच्छा बन जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक कटोरी ली है मैदा, जिसको हम छान लेंगे। तो एक छन्नी से छान लेंगे, जिसमें इसमें कोई भी पार्टिकल होगा तो वो उस छन्नी की सहायता से निकल जाएगा। तो इस तरीके से सारे मैदे को हम छान लेंगे। जब मैदा छन जाएगा तो 3 से 4 चम्मच मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप घी, तेल कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस बैटर को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये आटा है वो हाथों से एकदम बंधना चाहिए, इतना हमने ऑयल डालना है। और थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर हम एक आटा तैयार कर लेंगे। तो इसमें ऑयल डालने से क्या होगा कि ऑयल अगर हम इतना डालेंगे तो हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल क्रंची और खस्ता बनेगा। तो उसके बाद आटे को रख देंगे साइड में। तब तक एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल ले लिया है, उसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और 1 हरी मिर्च डाल लेंगे। तो इसको भी हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद एक प्याज लिया है जिसको बारीक काट कर लिया है, तो इसको भी हम डाल लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। जो प्याज है वो हल्का पिंक कलर का होना शुरू कर देगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। वे आलू हैं, इनको हाथों से तोड़ कर ले लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला और 1/2 टीस्पून डालेंगे यहाँ पर धनिया पाउडर। आप यहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप यहाँ पर नींबू निचोड़ दीजिए। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम, मैंने डाली है हींग। और 1 से 2 मिनट चला लेने के बाद जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। तो इसके बाद धनिया डाल लेंगे। डाल लेने के बाद इसको मिक्स करके रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। तब तक जो आटा था वो अच्छे तरीके से हमारा सॉफ्ट हो चुका है, तो उसको ले लेंगे, हाथों से थोड़ा सा मल लेंगे। तो 1 से 2 मिनट मल लेने के बाद थोड़ा सा बैटर हथेली पे लेंगे और इसकी एक लोई तोड़ लेंगे। तो लोई है, जैसे हम रोटी बेलते हैं तो हमें एक बड़ी रोटी तैयार कर लेनी चाहिए। तो रोटी हमारी बिल्कुल पतली होनी चाहिए। तो उसके बाद हम चम्मच से इस पर तेल लगाएंगे। तो आप चाहे तो हाथों से लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल अच्छे तरीके से फैला लेंगे, उस पर थोड़ा सा मैदा लेंगे और छलनी की सहायता से उस पर डस्ट कर लेंगे। तो सारे आटे और तेल को अच्छे तरीके से लगा लेने के बाद इसको एक फोल्ड करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हम तेल लगा लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा आटा इस पर भी डस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको एक फोल्ड हम और करेंगे। तो इस तरीके से कर लेंगे। ये थोड़ा सा पतला हो गया था तो हल्का सा इसको बेल लेंगे, थोड़ा सा लंबाई में और थोड़ा सा वैसे। उस पर भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और छन्नी से थोड़ा सा आटा इसके ऊपर डस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको रोल करते जाएंगे। तो इसे टाइट रोल करना है, लूज़ नहीं करना है। तो इस तरीके से हम इसे रोल कर लेंगे, अच्छे से पैक कर लेंगे। उसके बाद एक धागा लेंगे, तो हमें इसे बीच में से काटना है। इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। चाकू से करेंगे तो आपकी लेयर अच्छी नहीं खुलेगी, पर धागे से करेंगे तो आपकी लेयर एक एक खुलेगी और कटिंग में भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। इस तरीके से हम रखेंगे, जो बीच में से कटा था उसे नीचे रख लेंगे और ऊपर वाला पार्ट हल्के से दबा कर हम एक छोटी सी पूड़ी तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए एक एक लेयर तैयार हुई है। उसमें 1 चम्मच हम लेंगे आलू का जो बैटर तैयार किया था और हल्के से दबाते हुए इसको बीच में से बैटर मसाले को मिक्स दबाते जाएंगे और ऊपर से इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम नाश्ते हैं जो वो तैयार कर लेंगे। तो सारे नाश्ते को इस तरीके से तैयार कर लेने के बाद एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने तेल लिया है। पहले गैस का फ्लेम हम अच्छे से गर्म करेंगे। जब नाश्ते को डाल देंगे तो गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे। इस नाश्ते को बिल्कुल लो टू मीडियम गैस पर बनाना है, बिल्कुल भी हाई पे ना करें, वरना आपका नाश्ता है वो खस्ता नहीं बनेगा। तो दोनों तरफ से पलटते जाएंगे, क्रिस्पी एंड क्रंची गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तल लेंगे। तो इसको निकाल लेंगे प्लेट में। तो लीजिए, तैयार हो गया हमारा। देखने में भी बहुत खूबसूरत है, खाने में उतना ही टेस्टी भी है।